नमस्ते वेलकम डैशटैग यूनिट राज रायपुर जरिए कांग्रेस पार्टी प्लीनरी अच्छम राहुल गांधी पोलिनटुवंटि मनिषि ओक प्रत्येक आकर्षण निलुस्तारु प्रति ओक्क कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी नेता एम्मेल्येल नुंचि अंदरू कूडा ई राहुल गांधी तो फोटोलु दिगेंदुकु एगबडतारु मरोवैपु आयनकु कांग्रेस पार्टी प्लीनरी चाला क्रेज उंदनि चेप्पुकोवालि प्रति ओक्क कार्यकर्ता फोटोल कोसम एगबडुतू सेम अच्छम राहुल गांधी लागे ఉన్నటువంటి ఫైసల్ చౌదరి మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకుని ఆయన మీరట్ నుంచి వచ్చాడు సీఎం ఎగ్జాక్ట్లీ రాహుల్ గాంధీ ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు ఫైసల్ చౌదరి జీ ఆప్ కాసే ఆయా క్యా అభి ప్లీనరీ చల్ రహా ఇధర్ కైసా లగ్ రహా ఆప్కో దేఖియే మే యూపీ సే ఆయా హూ జిల్లా మేరా మేరఠ హై గాంవ్ మేరా సోనత్ హై ఔర్ మేరే దాదా పితాజీ సబ్ కాంగ్రెస్ సే రహే హై పితాజీ కా గుజరే హువే 6 సాల్ హో చుకే హై ఔర్ మే తబ్ సే కాంగ్రెస్ మే లగా హువా హూ और अब हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। यहाँ पे अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का और अधिवेशन की तैयारी बहुत अच्छी है और चल भी रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, चल भी रहा है अधिवेशन बहुत बढ़िया। क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट होप कर सकते हैं? देखिए अब आप मुझे ये बताइए हो क्यों नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने देश की जनता की वो हालत कर दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है कि हालत ख़राब है देश की। ऐसे लाखों युवा हैं जो जॉब्स की वजह से परेशान हैं, अपनी लाखों की कमाई पढ़ाई के अंदर उन्होंने लगा दी है और पढ़ने लिखने के बाद भी वो आज बेरोजगार हैं और इस बेरोजगार के जिम्मेदार मोदी जी हैं, जो केंद्र सरकार आज बोल रही है। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? लगभग 9 साल होने को पूरे आ रहे हैं, 18 करोड़ नौकरी बैठती हैं, क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दी आज तक? तो युवा परेशान है। पहली योजना जो इन्होंने अपनी सत्ता चलाई थी तो उसमें लोगों को ये लगा था, युवाओं को लगा था कि हमें अगली योजना में हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और 2024 इलेक्शन के लिए ये प्लीनरी से कौन कैसा डिसीजन आपका आप ले रहे हैं, आपका कांग्रेस पार्टी ले रहे हैं, कैसा यूज हो जाएगा? देखिए डिसीजन जो है वो आला कमान के जो ऊपर बैठे हैं नेता लोग बैठे हैं वो ही लेते हैं। दूसरी बात हमारी ये बात है कि हम एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों या खड़गे जी हों, हमें इतना पता है कि हमें अगर कोई जिम्मेदारी देंगे हम किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हमें लगा कि एक गाँव से और हमें पूरे देश तक, पूरे देश में अगर वो जिम्मेदारी देना चाहिए उसे भी निभाने के लिए तैयार है। बस ये है कि कांग्रेस का हम 24 में सत्ता में देखना चाहते हैं, राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है, आप मेरठ से हो इधर आया छत्तीसगढ़ के लिए प्लीनरी देखने के लिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पार्टी वर्कर के जैसा इधर आया, कैसा लग रहा है, आपका फीलिंग क्या है? सभी लोग आपके ऊपर फोटोज के लिए क्रेजी हो रहे, आप सेम एग्जैक्टली राहुल के रेप्लिका है, कैसे आपका फीलिंग कैसा है? देखिए वो जनता का लोगों का प्यार है जो हमें मिल रहा है और मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमें राहुल जी की शक्ल पेश की। जिस पार्टी के हमारे पिताजी हमारे दादाजी कार्यकर्ता थे हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हम उसी पार्टी के नेता से एक जो अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं, उन्हीं से हमारे शक्ल को मैच कर दिया। और दूसरा क्या चीज़ है, राहुल गांधी जी बाल बढ़ रहे, आप भी बाल बढ़ रहे, क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या है अभी आप बाल राहुल जी से देख के आप बाल बढ़ाया? देखिए शक्ल जब हमारी मिलती है तो राहुल जी ने बाल बढ़ाए तो हमने बाल बढ़ा दिए। कब निकलोगे फिर, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद निकलोगे? मतलब हिंदी बोलिए आप। नहीं, आप गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ही बाल निकलेंगे? देखिए इस बात को कह नहीं सकते कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट को हिलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की जो गवर्नमेंट बैठी है ना, इसको हम हिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनसे लड़ेंगे भी, वो लाठी चलाएंगे हम लाठी भी खाएंगे, वो लड़ेंगे हम लड़ेंगे, वो प्यार से बोलेंगे हम प्यार से बोलेंगे, जिस तरीके से वो हमारे सामने पेश आएंगे हम उसी तरीके से पेश आएंगे। नहीं राहुल जी कब बाल निकलेगा, जब ही आप निकलेगा, नहीं तो वैसे रहेगा? देखिए वो बात अलग है, अब हमारा मन क्या कि राहुल जी की तरह से बाल बढ़ाया जाए,
तुमने बाल बढ़ा लिए, वो मन की बात होती है, उसके लिए हम किसी चीज़ के लिए टाइमिंग सेट नहीं कर सकते कि हम कब तक बढ़ाएंगे या ना बढ़ाएंगे, वो बात अलग होती है। आप कभी भी राहुल जी से मिला है? मैं राहुल जी से 2-3 बार मिला हूँ। कैसा है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, राहुल जी से जब मैं मिला तो राहुल जी का एक्सपीरियंस कुछ अलग था और मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि राहुल जी से मैं मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैं यात्रा में चला हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में करीब 900 किलोमीटर चला हूँ मैं पैदल, जो हमारे यहाँ दिल्ली बॉर्डर से पड़ता है, लोनी बॉर्डर से, और मैं श्रीनगर तक गया हूँ राहुल जी का भाषण सुन के, बिल्कुल लास्ट वाला शेर काश्मीर स्टेडियम, उसी को सुन के वापस आया हूँ वहाँ से। आप मेरठ में क्या काम करेंगे? मैं किसानों में खेती करता हूँ जी। अब अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार आने वाले है, सभी क्रॉस पीपल वेट कर रहे हैं, या किसान के सरकार फार्म हो सकता है? अब आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, किसान का रिजल्ट छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जैसी सुविधा छत्तीसगढ़ के अंदर है, हमें उम्मीद है कि ऐसी सुविधा पूरे देश में होगी। छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है किसान। जिस देश का किसान और मजदूर खुश होगा वो पूरा देश खुश होगा, और अगर किसान मजदूर दुखी है तो पूरा देश दुखी है। जो देश को अन्न देता है अगर वही दुखी है तो क्या देश खुश है? वो खुश नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी मीटिंग में हम लोग आपको देख रहे हैं, आप सभी लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, क्रेज देख रहे हैं। अगर आपका मीरठ में आप नहीं तो आपका गांव में भी सेम ऐसी क्रेज रहेगा आपके पास, आपके ऊपर? देखिए, गांव में तो क्या होता है, बंदे मेरे साथ रहते हैं, मेरे गांव के हैं, तो वो तो आगे पीछे आते रहते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं। अभी ना मैं आज मिलूंगा, कल मिलूंगा, परसों नहीं मिलूंगा, तो इन्हें तो इस तरीके से ये जल्दी है कि मेरा फोटो खिंचाए, मेरा फोटो खिंचाए। अब गांव वाले बंदे क्या हैं, वो तो आज आ गए, कल आ गए, परसों आ गए, मैं तो गांव में रहता हूं, तो वो तो फोटो खिंचाते रहते हैं आराम से। नहीं, आप ड्रेसिंग स्टाइल देख लीजिए, पूरा राहुल गांधी जैसा है, व्हाइट कलर टी शर्ट पहना, आप भी व्हाइट कलर टी शर्ट पहना, ब्राउन कलर पैंट है, वही आप भी ब्राउन कलर पैंट पहना, शूज है ऊपर तक, बाल्स तक, पूरा आपका राहुल गांधी अटेयर कैसा है, आप भी ऐसा है, क्या क्या इंस्पिरेशन क्या है आपका राहुल जी से? देखिए, राहुल जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और जिन लोगों को आप हो या मैं हूँ, जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह दिखें, और ऊपर वाले ने का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने शक्ल मेरी राहुल जी से बना दी, और शक्ल भी बना दी और आदर्श भी मानता हूँ, तो 2 पॉइंट हो गए, तो दोनों पॉइंट में मैचिंग तो आएगी जी। ठीक है, आपका मेरे लिए आपका मिलने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ఇది ఖచ్చితంగా చెప్తుంది రాహుల్ జీ నాకు ఇన్స్పిరేషన్, ఖచ్చితంగా భారత్ జోడోలో యాత్రలో కూడా రాహుల్ జీతో పాటు అడుగులేశాను, ఖచ్చితంగా దాదాపుగా 900 కిలోమీటర్లు పైగా నడిచాను అంటూ కూడా సో ఫైసల్ చౌదరి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరోవైపు మీరట్ నుంచి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లీనరీ కోసం రాయ్పూర్కి వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఆయనతో పాటు ఫోటోల కోసం, సెల్ఫీల కోసం క్రేజ్ మాత్రం చాలా ఉందని చెప్పుకోవాలి. సేమ్ రాహుల్ గాంధీ ఏ విధంగా ఉన్నాడో, సేమ్ రాహుల్ పోలిన రాహుల్ గాంధీ మనతో పాటు ఉన్నట్టుగా మనం అందరూ చూడాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద ఆయన మీరట్లో కూడా ఇదే రకంగానే ఆయన మీద క్రేజ్ ఉంటుంది అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఇది రాయ్పూర్ నుంచి స్పెషల్ రిపోర్ట్, కెమెరామెన్ నరేష్తో రాజేష్ రాయ్పూర్ నుంచి.